Hello everyone, this is a video lecture on the course Automobile Engineering for the 6th semester Diploma in Mechanical Engineering. I am Ritesh Harode from Department of Mechanical Engineering, NIT Polytechnic, Nagpur. In this video lecture, we are going to learn about the chassis, the function of chassis and the classification of chassis. This topic is belongs to first chapter, Introduction to Automobiles. So, lecture shuru karne se pehle discuss kar lete hai ki what will be the outcome of this video lecture. So, is video lecture mein hum log kya sikhne wale hai? Sabse pehla jo hamara outcome hai wo hoga define chassis. To aapko chassis ko define karna hai ki chassis kya hota hai, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, ये सारी चीजों के बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग चेसिस को क्लासिफाई करेंगे कुछ गिवन क्राइटेरिया के बेस पर। तो चेसिस का क्लासिफिकेशन हम लोगों को यहाँ पर समझ में आएगा। नाउ पीओ और पीएसओ मैपिंग। तो सबसे पहला यहाँ जो पीओ मैप हो रहा है वो है बेसिक एंड डिसिप्लिन स्पेसिफिक नॉलेज। तो यहाँ क्या हो रहा है, जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, इट इज अ कोर टॉपिक रिलेटेड टू ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग विच इज अ डिसिप्लिन नॉलेज रिलेटेड टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद आता है पीओ 4, दैट इज एक्सपेरिमेंटल टूल एक्सपेरिमेंटेशन एंड टेस्टिंग। तो अगर आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हो डिफरेंट लेआउट बनाने की और अलग अलग व्हीकल को ऑब्जर्व करके आप फाइंड आउट कर रहे हो कि कौन से टाइप का उसमें लेआउट यूज किया हुआ है, सो दैट विल बी योर क्लासिफिकेशन ऑफ चेंजेस। देन कम टू द पीओ 7, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। सो जो चीजें हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो मेंटेनेंस करने के टाइम पे, डिजाइन करने के टाइम पे व्हीकल के बारे में बहुत ज्यादा यूजफुल होता है थ्रू आउट द लाइफ, इसीलिए पीओ 7 मैप किया हुआ है। और इसमें जो हम लोग बात कर रहे हैं वो टूल्स के बारे में, इक्विपमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, सो इट विल बी यूजफुल ड्यूरिंग द मेंटेनेंस, सो दैट्स व्हाई पीएसओ 2 भी मैप किया हुआ है। सो लेक्चर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि चेसिस क्या होता है। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट व्हाट इज चेसिस। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि चेसिस क्या होता है। तो एक लाइन में अगर चीज को डिफाइन करना है तो इट कैन बी डिफाइंड एज अ व्हीकल विदाउट बॉडी इज कॉल्ड एज चेसिस। यानी अगर आपने आपके व्हीकल से उसकी बॉडी हटा दी सो जो बच जाएगा वो होता है चेसिस। इसके लिए एक सिंपल एग्जांपल है कि चेसिस में आपके सारे कंपोनेंट होते हैं, ट्रांसमिशन सिस्टम होगा, ब्रेक्स होंगी, कंट्रोल करने के लिए स्टेयरिंग होंगी, ड्राइवर के बैठने के लिए जगह होगी, पर उसके अलावा उस चेसिस में और कुछ भी नहीं होता। क्योंकि जो बॉडी होती है, बॉडी का काम होता है कि पैसेंजर्स के लिए जगह प्रोवाइड करना या फिर कार्गो के लिए, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए जगह प्रोवाइड करना। तो जब बॉडी नहीं होती है, जो व्हीकल का इनिशियल फेज होता है उसको चेसिस कहा जाता है। सो चेसिस में क्या क्या कंपोनेंट हो गए, चेसिस कॉम्प्रोमाइज ऑफ एक फ्रेम रहेगी जिसके ऊपर हम लोग क्या लगाएंगे, बॉडी लगती है, उसके बाद इंजन, सारा ट्रांसमिशन सिस्टम एंड ऑल अदर कंपोनेंट, स्टेयरिंग और आपका ब्रेक्स, ये सारी चीज़ें आपके गाड़ी में लगती है। तो इनिशियली क्या होता है कि ये चेसिस बनाया जाता है और फिर उसके ऊपर बॉडी क्रिएट की जाती है। बेसिकली ये चेसिस वाला जो कंसेप्ट है अब जो सिर्फ और सिर्फ हेवी व्हीकल्स के लिए एग्जिस्टेंस में है, क्योंकि हेवी व्हीकल्स का चेसिस मार्केट में अवेलेबल होता है और उस चेसिस आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से खरीद सकते हैं और फिर उसके ऊपर आप बॉडी बिल्टअप कर सकते हो। तो आपने देखा होगा ट्रक के बॉडी बिल्डर्स होते हैं, बस की बॉडी बिल्ड की जाती है, तो ये जो चेसिस होते हैं ट्रक के, इसके ऊपर आप सेम चेसिस पे अगर आप चाहे तो आप बस क्रिएट कर सकते हैं, आप चाहे तो उसके ऊपर ट्रक का यानी कार्गो ट्रांसपोर्टेशन के लिए अरेंजमेंट क्रिएट कर सकते हैं, उसके बाद अगर आप चाहे तो उस पर एम्बुलेंस या कोई और भी टाइप का अगर आपको व्हीकल बनाना है तो वो आप बना सकते हो। सो चेसिस का इम्पोर्टेंस ही वो होता है। चेसिस का मेन काम क्या है कि ये व्हीकल को सपोर्ट देता है, उसको मजबूती प्रदान करता है,
ताकि आपके जो कंपोनेंट है वो उसके ऊपर अच्छी तरह से फिट हो सके। तो इसको फिट करने का काम चेचिस का होता है। सो बेसिकली चेचिस कैन बी नोन एज द बैक बोन ऑफ व्हीकल। चेचिस को आप इस तरह से समझ सकते हो कि आपकी ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में एक हड्डियों का ढांचा होता है। हड्डियों का ढांचा मतलब फ्रेम, फ्रेमवर्क है। उसके अंदर आपके अलग अलग कंपोनेंट्स लगे होते हैं, हार्ट है, किडनीज है, लंग्स है, ब्रेन्स है, ये सारी चीज़ें आपके वही बॉडी में फिट की हुई रहती है। तो ये उसके और कंपोनेंट्स हो गए, सिस्टम हो गया। तो फ्रेम और सिस्टम पर ये व्हीकल अच्छा नहीं दिख, आपकी बॉडी अच्छी नहीं दिखेगी, इसलिए उसके ऊपर से स्किन होती है। तो दैट स्किन इज नोन एज दी बॉडी इन केस ऑफ ऑटोमोबाइल। सो ये होता है चेचिस। आगे देखेंगे कि चेचिस के अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं और किस तरह से डिफरेंट चेचिस यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि चेचिस के कंपोनेंट क्या होते हैं। ये सारी चीजें हमने इसके पहले भी कई बार देखी हुई है। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट आएगा वो होगा फ्रेम, क्योंकि फ्रेम ही होगा जिसके ऊपर आप चेचिस को बिल्टअप करोगे। चेचिस बिल्डअप करने के लिए सबसे पहली चीज होती है फ्रेम, जिसके ऊपर हम सारे कंपोनेंट लगाते हैं। उसके बाद जो मेन कंपोनेंट लगता है वो है पावर प्लांट, यानी कि इंजन। तो इंजन एक बार अगर हमने फ्रेम पे फिट कर लिया तो देखिए फ्रेम पे जो मेन कंपोनेंट होता है वो इंजन रहता है, क्योंकि इंजन के वजह से बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होता है, क्योंकि इंजन में कंटिन्यूसली वर्किंग होती है। तो इसीलिए इंजन में वाइब्रेशन ज़्यादा होते हैं, तो उसको हैंडल करना फ्रेम का प्राइमरी कंसर्न होता है। उसके बाद ट्रांसमिशन सिस्टम रहेगा, जिसके अंदर क्लच, गियर बॉक्स, आपके प्रोपेलर शाफ्ट, डिफरेंशियल एंड बाकी सारे कंपोनेंट्स आएंगे। उसके बाद होता है एक्सेल और व्हील्स, तो एक्सेल और व्हील्स लगे हुए रहते हैं। उसके बाद आएगा सस्पेंशन, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कंपोनेंट ऑफ चेचिस। तो सस्पेंशन लगेगा, फिर कंट्रोलिंग सिस्टम, ब्रेकिंग एंड स्टेयरिंग, एंड द लास्ट वन इज अगर कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की जरूरत है तो दैट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कैन ऑल्सो बी माउंटेड ऑन अ फ्रेम। तो एक फ्रेम होती है जिसके ऊपर ये सारा कंस्ट्रक्शन बना हुआ होता है, ये सारे कंपोनेंट फिट होते हैं, और फिर उसके ऊपर आप व्हीकल की बॉडी को क्रिएट करते हो, मैन्युफैक्चर कर सकते हो। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ चेचिस। नाउ लेट्स क्लासीफाई द चेचिस अकॉर्डिंग टू कंट्रोल। आप देखिए एक चेचिस का क्लासिफिकेशन या व्हीकल का क्लासिफिकेशन हमने लेआउट के हिसाब से देखा था, यहाँ अकॉर्डिंग टू कंट्रोल भी आप चेचिस को क्लासिफाई कर सकते हो। चेचिस को क्लासिफाई करने के लिए सबसे पहले आता है कन्वेंशनल कंट्रोल चेचिस। यानी कन्वेंशनली क्या है, जब ऑटोमोबाइल का डेवलपमेंट हुआ है तब से ये वाला सिस्टम यूज किया जा रहा है और वो बहुत ज़्यादा सुटेबल होता है। तो कन्वेंशनल चेचिस यहाँ पे आपको देखेंगे, तो ये देखिए एक ट्रक का चेचिस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ आप अगर देखेंगे तो जो आपका इंजिन है वो व्हीकल की बॉडी के पूरी तरह से बाहर लगा हुआ है। तो जब आपकी व्हीकल की बॉडी, यहाँ पे देखिए इंजन का कंपार्टमेंट है, ये इंजन जहाँ पे ख़त्म हो रहा है उसके बाद से व्हीकल की बॉडी शुरू हो रही है, यानी यहाँ पे ड्राइवर कैबिन है, फिर उसके बाद में या आगे आप अपने हिसाब से बिल्टअप कर सकते हो कि आप यहाँ पे बस क्रिएट करो या ट्रक की बॉडी क्रिएट करो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो जब इंजन का जो कंपार्टमेंट होता है वो व्हीकल के बाहर होता है और उसके बाद में आपका सिस्टम शुरू होता है, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग कन्वेंशनल कंट्रोल चेचिस कहते हैं। इसका फायदा ये होता है कि यहाँ जो आपका इंजन कंपार्टमेंट है वो पूरी तरह से बाहर है, उसकी वजह से क्या होगा कि जो पैसेंजर है या जो आपकी बॉडी है, जो व्हीकल है, वो बाकी पैसे इंजन के नॉइस से, उसके वाइब्रेशन से आगे व्हीकल को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, यानी ड्राइवर उससे अफेक्ट नहीं करेगा, आपका इंजन बाहर अलग अलग चलते रहेगा। दूसरा इम्पैक्ट ये होता है कि अगर ये व्हीकल का कभी एक्सीडेंट होता है तो ये सामने इम्पैक्ट जो होता है, क्योंकि मेन जो वेट रहता है व्हीकल में वो इंजन का होता है, तो इंजन उसका पूरा का पूरा इम्पैक्ट एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इंजन का इम्पैक्ट यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है, इसीलिए पैसेंजर को या फिर जो आपके गुड्स है, जो कार्गो है जो आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, उसको ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। पर इसका एक डिसएडवांटेज होता है कि यहाँ से क्या होगा, आपकी व्हीकल की इतनी जो जगह है वो आपकी वेस्ट जाती है, यहाँ पे इतनी जगह का यूटिलाइजेशन नहीं होता, यानी व्हीकल में आपको यूटिलाइजेशन करने के लिए जगह कम मिलती है। उसके बाद आता है सेमी फॉरवर्ड कंट्रोल चेचिस। सेमी फॉरवर्ड कंट्रोल क्या है कि इसके अंदर ये देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पे
जो यूज किया जाता है इसमें इंजन का कंपार्टमेंट इस तरह से फिट किया होता है कि इंजन 50% व्हीकल की बॉडी के बाहर होता है और 50% व्हीकल की बॉडी के अंदर होता है। ये बेसिकली छोटे व्हीकल्स में, जैसे आपने टाटा 207 वगैरह देखा होगा, या फिर जो मिनी मिनी ट्रक्स होते हैं, मेटाडोर जिनको आप बोलते हो, टाटा 407 मॉडल जो है उसके अंदर ये आपको देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि होता ये है कि इसमें हमको जगह का यूटिलाइजेशन पूरा करना है। अगर आप जगह का पूरा यूटिलाइजेशन कर पाएंगे तभी इस टाइप के जो चेचिस है वो बहुत अच्छे से यूज में आएंगे। क्योंकि एक अगर लिमिट के बाद आप व्हीकल को लंबा नहीं कर सकते, अगर आपने बहुत ज्यादा व्हीकल की लेंथ बढ़ाई तो उसकी कैटेगरी चेंज हो जाती है, उसके ऊपर टैक्स ज्यादा लगता है, कीमत बढ़ जाती है, सो इट इज नॉट यूजफुल, कन्वीनियंट टू यूजफुल। सो इसीलिए हम सेमी फॉरवर्ड कंट्रोल चेचिस को यूज करते हैं। तो सेमी फॉरवर्ड कंट्रोल का जो यूज है आपको आजकल व्हीकल्स में दिखाई देगा। सो ये मिनी बस वगैरह में ज्यादा होता है। सो इसका भी इम्पैक्ट वही रहेगा जो कंट्रोल चेचिस में था। कन्वेंशनल कंट्रोल में उसके एडवांटेज मिलते हैं, एक एडवांटेज यहाँ एक ज्यादा मिल सकता है कि आप जगह का यूटिलाइजेशन ज्यादा कर रहे हो। इसमें एक ये रहेगी कि आपके गाड़ी के सामने में अगर कोई बैठा हुआ है यहाँ पे तो आपको वो इजीली दिखाएगा, यानी आपकी विजिबिलिटी थोड़ी सी इंप्रूव हो जाती है। कन्वेंशनल चेचेस में विजिबिलिटी का प्रॉब्लम आता है, तो व्हीकल के ठीक सामने अगर कौन है, अगर कुछ है, कोई बम्प है, कोई गड्ढा है, कुछ सामान रखा हुआ है, तो वो आपको इजीली विजिबल नहीं होगा। देन कम्स टू दी थर्ड वन, दैट इज नोन एज फुल फॉरवर्ड कंट्रोल चेचिस। फुल फॉरवर्ड कंट्रोल चेचिस में क्या होगा कि पूरा का पूरा इंजन सामने रहता है। दिस वन इज दी बेसिक मॉडर्न टाइप ऑफ बसेस एंड ट्रक। तो ये मॉडर्न टाइप का चेचिस है, ये आपने रास्ते पे देखा भी होगा, तो इसी को चेचिस कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए व्हीकल की बॉडी किसी के अंदर में भी नहीं है, इसके अंदर बॉडी लगी हुई है क्योंकि ये मैन्युफैक्चर होके ऐसी आता है। बाकी ये दोनों आपको मार्केट में अवेलेबल दिखाई देंगे। उसमें भी कन्वेंशनल चेचिस का जो यूज है अभी बहुत ज्यादा ऑब्सोलेट हो चुका है। सबसे ज्यादा फुल फॉरवर्ड कंट्रोल चेचिस यूज में आता है, तो इसको एलपीटी ट्रक भी बोलते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप तो व्हीकल का जो इंजन है वो बिल्कुल गाड़ी के सामने में रखा हुआ है, और व्हीकल जहाँ से शुरू हो रहा है यानी यहाँ से आप बिल्टअप करोगे तो आपकी बस यहाँ से बिल्टअप होगी, आप ट्रक भी यहीं से बिल्टअप करेंगे, तो आप इंजन कंपार्टमेंट के अंदर में आपका जो ड्राइवर कैबिन है उसके अंदर में आपका इंजन फिट रहता है। जब इंजन वहां पर फिट है तो उसकी वजह से क्या होगा, जगह का यूटिलाइजेशन पूरा हो जाएगा, आपको इस व्हीकल की जो लेंथ है वो कम हो जाएगी। सामने इंजन कंपार्टमेंट सामने होने से प्रॉब्लम ये होती है कि इसकी इंजन की जो हीट है वो कैबिन में फैलती है, तो उसके लिए आपको अलग से अरेंजमेंट करने पड़ते हैं। एक और काम फायदा हो सकता है कि यहाँ से आपको डायरेक्टली विजिबिलिटी दिखाई देती है, ड्राइवर की पोजीशन है आपको बिल्कुल सामने में विजिबिलिटी रहती है। ये जो फुल फॉरवर्ड कंट्रोल की चीज़ है इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, एफर्ट्स बहुत कम लगते हैं। सो ये इसका एडवांटेज होता है। सो दिस इज द टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ चेचिस अकॉर्डिंग टू कंट्रोल। तो अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन आता है क्लासिफाइड चेचिस ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, तो आपको ये तीन दिखने हैं। एक और चीज पे हम चेचिस को क्लासिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू फिटिंग ऑफ एन इंजिन। अब इंजिन कहाँ पे फिट हो रहा है, तो इंजिन सबसे पहले या तो फ्रंट पे फिट हो सकता है। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो लेक्चर देखे थे, हमने तीन वीडियो जो लेक्चर देखे हैं अकॉर्डिंग टू व्हीकल लेआउट, या उसको चेचिस लेआउट भी बोलते हैं, तो वो भी एक क्लासिफिकेशन चेचिस का हो सकता है। तो उसमें आपने इंजन और ड्राइव दोनों को कंसिडर करके क्लासिफाई किया था, जिसमें हमने तीन या चार लेआउट देखे थे, जैसे कि फ्रंट इंजन रेयर व्हील ड्राइव, फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव, रेयर इंजन रेयर व्हील ड्राइव और फोर व्हील ड्राइव देखा था। नाउ अगर इंजन को आप कहाँ फिट कर रहे हो, सिर्फ इंजन के बेस पे भी हम लोग क्लासिफिकेशन देख सकते हैं। तो इंजन अगर फ्रंट में लगा रहे हैं तो वो भी दो तरीके होते हैं। एक होता है लॉन्जिट्यूडिनल इंजन, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है इंजन, देखिए लॉन्जिट्यूडिनल डायरेक्शन में लगा हुआ है, यानी आपके एक्सेल के वो पैरेलल लगा हुआ है। तो जब आपके एक्सेल को इंजन पैरेलल लगा होता है तो उसको लॉन्जिट्यूडिनल डायरेक्शन बोलते हैं। आप यहाँ पे खड़े हैं तो आपके सामने वो हॉरिजॉन्टल होगा और आपको पैरेलल होगा, सो दैट
इज नोन एज लॉन्जिट्यूडिनल इंजिन। ये लॉन्जिट्यूडिनल इंजिन आपको मोस्ट ऑफ द केस में फ्रंट इंजिन फ्रंट व्हील ड्राइव में दिखाई देता है। उसके बाद दूसरी जो पोजीशन होती है वो होती है ट्रांसवर्स इंजिन। ट्रांसवर्स इंजिन में क्या रहेगा कि आपका जो इंजिन यहाँ जो फिट किया हुआ है वो एट 90 डिग्री टू दी एक्सेल होता है। तो यानी एक्सेल को जब आपका इंजिन का एक्सिस 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो उसको ट्रांसवर्स इंजिन या फिर क्रॉस इंजिन भी बोला जा सकता है। तो ये बेसिकली फ्रंट इंजिन रेयर व्हील ड्राइव के जो व्हीकल्स होते हैं वहां पर दिखाई देगा। ऐसे व्हीकल्स में क्या होता है कि जो इसका फ्रंट है वो थोड़ा सा बाहर निकला हुआ होता है। सो दैट इज दी टू पॉसिबिलिटीज फॉर एन इंजिन। उसके बाद जो नेक्स्ट है इंजिन एट रियर, आप पीछे में इंजिन लगा सकते हो। जब इंजिन पीछे में लगा है तो कुछ इस तरह से आपको अरेंजमेंट दिखाई देगा। सो रियर इंजिन और एक आता है सेंटर इंजिन। तो सेंटर इंजिन में कहाँ रहेगा, जब व्हीकल के बॉडी के बीच में आपका जो रियर एक्सेल है उसके पहले अगर इंजिन लगा हुआ है सो इट इज नोन एज मिड इंजिन और अ सेंटर इंजिन। सो याद रखिए ये जो मिड इंजिन दिखाई दे रहा है कहाँ पे रहेगा, फ्रंट एक्सेल के पहले सॉरी रियर एक्सेल के पहले अगर इंजन लगा हुआ है तो इट विल नोन एज सेंटर इंजन और मिड इंजन। और जब फ्रंट रियर एक्सेल के बाहर इंजन लगता है तो उसको रियर इंजन बोलते हैं। तो ये दो पॉसिबिलिटी होती है। अगर आप ध्यान से देखें, अगर एग्जांपल वाइज देखोगे आप तो जो स्पोर्ट्स कार होती है, जो बड़ी बड़ी कारें रहती है फेरारी लंबोर्गिनी जैसी, तो उसके तर आपको इंजन सेंटर में दिखाई देगा। और जो आपके रियर इंजन वाला जो अरेंजमेंट है ये बेसिकली आपको स्टार बसेस में दिखाई देता है। सो दैट इज दी वन ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ चेचिस। सो दिस इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ चेचिस। सो इन दिस वे वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। बिफोर एंडिंग लेट्स समराइज व्हाट वी हैव लर्नड इन दिस वीडियो लेक्चर। सो आउटकम ऑफ दिस वीडियो लेक्चर इज कि हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा कि डेफिनेशन ऑफ चेचिस, चेचिस क्या होता है इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। चेचिस के फंक्शन क्या होते हैं ये हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। उसके बाद हमने चेचिस का क्लासिफिकेशन देखा दो बेसिस के ऊपर कि चेचिस किस तरह से क्लासिफाई होता है। तो फॉरवर्ड कंट्रोल, कन्वेंशनल कंट्रोल और सेमी फॉरवर्ड कंट्रोल, ये तीन टाइप के चीजें हम लोगों ने देखे हैं। सो ये आपको आना चाहिए। सो दीज टू आर दी असाइनमेंट क्वेश्चंस फॉर दिस वीडियो लेक्चर। ये आप सॉल्व करके अपनी कॉपी में रखिए एंड देन जब भी टाइम आएगा आपको वो सबमिट करने हैं। देन लेट्स गेट बैक टू दी पीओ एंड पीएसओ मैपिंग। क्या आउटकम आएगा पीएसओ में, तो सबसे पहले हमारा पीओ वन मैप हुआ है तो इसीलिए पीओ वन आपका यानी बेसिक नॉलेज डिसिप्लिन नॉलेज आपका इम्प्रूव हुआ, इसीलिए पीओ वन यहाँ पर मैप था। पीओ फोर आपको प्रैक्टिस करनी है डायग्राम्स की, इसीलिए पीओ फोर मैप किया है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग आपकी हुई है यहाँ पर, इसीलिए पीओ सेवन मैप किया गया है। और लास्ट में पीएसओ टू मैप किया है। सो दिस इज दी पीओ एंड पीएसओ मैपिंग एंड आउटकम ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। सो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि चेचिस क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स कैसे होते हैं, उनका लोकेशन किस हिसाब से होता है। आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम लोग फ्रेम के बारे में पढ़ेंगे और उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं ये देखेंगे। सो टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।